प्रदीप सर, अभी जो कर्नाटका में हिजाब पर बवाल मचा हुआ है कि शैक्षिक संस्थानों के अंदर जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहनकर गई और उसके बाद जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे मीडिया में इस चीज को फैला हुआ है। ये बात लोग पक्ष की कर रहे हैं, विपक्ष की कर रहे हैं, और लोग बात हिंदू की कर रहे हैं, मुस्लिम की कर रहे हैं, लेकिन कानून की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा। अगर कानूनी नजरिए से देखा जाए तो किसे कैसे लेते हैं आप इस खबर को? शिप्रा, इसमें कानून जो हमारा है, पहली बात तो मैं शुरुआत आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करना चाहूंगा। हम जब भी बात करते हैं तो हमारा प्रीएम्बल भी यही बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब हम वी की बात करते हैं तो उसमें किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, कोई भी चीज हो उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वी मीन्स हम सब। अब जो ये हिजाब का मामला आजकल नेशनल लेवल पर चल रहा है, दो तीन चीजें मेरी समझ में आती है। एक तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटिव होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि अदरवाइज इतना बड़ा इशू नहीं था। पहले से भी हर तरीके से लोग बाग ड्रेस कोड्स स्कूल्स कॉलेजेस में हमेशा होता था। पर सर, एक बार रोकूंगी यहाँ पे। एक तो संवैधानिक हक बोला जा रहा है ना, लड़की कह रही है कि हमारा संवैधानिक हक है कि हम अपनी चीज पहनकर अगर जा रहे हैं कॉलेज में, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, संवैधानिक हक अगर आपका हक है तो संविधान अदरवाइज भी बोलता है, आपका हक हो सकता है। लेकिन अगर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 तक जो भी आर्टिकल्स हैं हमारे, वो सारे इक्वलिटी की बात करते हैं, एबोल्यूशन की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर एटसेट्रा की बात करते हैं। तो जब इक्वलिटी की जब हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि प्रीएम्बल भी हमारा वी से शुरू होता है। वी में आपका राइट क्या है वो एक ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक राइट दिया है, लेकिन कोई भी राइट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल ये अलाउ नहीं करता और ना ही करना चाहिए कि अगर किसी आपके एक्ट के कारण से अगर कोई अनरेस्ट आता है या कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है। तो मेरे को लगता है कि इतना बड़ा इशू ये था नहीं। और वैसे भी एक ये शुरुआत हुई कर्नाटका से, कर्नाटका के एक स्कूल में, कॉलेज में एक लड़की हिजाब पहन के आई, उसका अपोज कुछ वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स ने किया। अब कहने की बात ये आ रही है कि आज राइट की अगर हम बात करेंगे तो हिजाब पहनकर वो लड़की आ गई, कल को कोई दूसरी धर्म जाति का आदमी खड़ा होकर वो कहेगा कि मैं गाउन पहन के आऊंगा, परसों कोई कहेगा मैं भगवा कपड़े पहन के आऊंगा। हर स्कूल कॉलेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ड्रेस कोड भी होता है। ड्रेस कोड का मतलब ही जैसे कि आर्टिकल 14 में पता है इक्वलिटी, सबको एट पार देखा जाए, एक समान देखा जाए। और इन ए वे ये भी कन्वे करता है कि हमारे सामने सब बराबर हैं, वो चाहे अच्छे बड़े खानदान से हो, रिच खानदान से हो, गरीब खानदान से हो, सबकी जब एक जैसी ड्रेस होगी तो वहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है। उसमें अगर किसी के दिमाग में, अगर हम एक मिनट के लिए ये सोच भी लें कि किसी पर्टिकुलर आदमी को एक पर्टिकुलर रिलीजन अगर उसमें कम पसंद है, तो किसी अगर ड्रेस सबकी सेम रहेगी तो उससे ये भी नहीं पता लग पाएगा कि ये कौन से पर्टिकुलर रिलीजन का है। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट भी है। पर सर, ओबीसी साहब तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 14, 16, 17 सबका अबॉलिशमेंट हो रहा है इस एक्ट के बाद, क्या कहेंगे आप? ओबीसी साहब क्या कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। ओबीसी साहब मेरे ख्याल में अगर अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी की ही बात करता है। इक्वलिटी की जब बात आती है तो इक्वलिटी में सब बराबर का आता है, उसमें डिस्टिंक्शन नहीं होता है। ओवैसी साहब क्या कहें, क्योंकि ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल लीडर है तो वो बात बोलेंगे कि जो उनको सूट करे पॉलिटिकली। ओवैसी साहब का कहा ना कहा कोई लॉ के नजरों में कोई मायने ज्यादा नहीं रखता है। मायने जो रखता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, क्योंकि हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं। ओवैसी साहब का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट मैंने आया था कि जो इन्होंने शायद एक पॉलिटिकल रैली में बोला था कि हम भूलते नहीं है, ये सब स्टेटमेंट इस तरह की देना एक मैच्योरिटी का सिग्नल नहीं है, मैच्योरिटी का साइन नहीं है, क्योंकि इस तरीके से भड़काऊ भाषण देने से या इस तरह की हरकत से ऑब्वियसली एक अनरेस्ट पैदा होने का एक एक चांस है। बेशक हो या ना हो वो डिफरेंट इशू है,
लेकिन आपने तो एक अटेम्प्ट ऐसा कर दिया इस तरह की स्टेटमेंट देकर, आपने जो न्यूट्रल लोग थे उनके दिमाग में एक तरह की बायसनेस क्रिएट कर दी। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 14 से 18 एक बार पढ़ लीजिए और आपको किसी भी, अगर आपके मदरसाज हैं उनमें आप ड्रेस कोड लेके आ जाओ, आप अपनी एजुकेशन वहां से ले लीजिए। ये इशू नहीं है कि जब एक इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो आप एक तरह तो ये चाहते हैं कि आपके पास एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन हो। सेकुलर इंस्टीट्यूशन में सब तरह के जात के धर्म के लोग होंगे। जब सेकुलरिज्म की, हमारी कंट्री भी सेकुलर है, सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं मोस्टली लोग वहाँ यहाँ पर, आप अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो क्या आप दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनको इन ए वे ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं उनके गोल से, आप उनको किसी भी तरीके से डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं, या आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनके माइंड में एक डिवीजन का पार्ट तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि सेक्स पे, रिलीजन पे, कास्ट पे इस तरह से उनको डिवाइड कर दें। वो किसी भी नेशन के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा अंग्रेजों के टाइम से अगर हम ले लिया जाए, इंग्लिश पीरियड से, ब्रिटिश पीरियड से अगर आप बात करेंगे, तो हमेशा से थ्योरी जो हमेशा गड़बड़ करती है वो रूल होता है, जो डिवाइड एंड रूल। तो आप डिवीजन की बात करेंगे तो ये तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कुल मिलाकर अगर हम इसको संवैधानिक नजर से देखें, कानून की नजर से देखें, तो क्या कहेंगे आप? कानून की नजर से जैसा कि मैंने बताया कि प्रीएम्बल हमारा शुरू ही वी से होता है। वी मींस वी ऑल, यूनिटी, कलेक्टिविटी। अगर हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि 100 में से 80 लोगों को अगर मेजोरिटी है या ज्यादा लोगों को, एक स्कूल में सब बच्चे बराबर हैं, तो ऐसा क्यों हम कोई एक्ट करें कि आपके छोटे से एक एक्ट के कारण से एक अनरेस्ट पैदा हो जाए, अननेसेसरीली एक कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाए। और मैं तो उन लोगों को भी क्रिटिसाइज करना चाहूंगा जो ऐसे लोगों को प्रोपेगेट करते हैं और उनको किसी भी तरह की हेल्प देते हैं।